इंडियन फैशन इंडस्ट्री का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, रितु कुमार का नाम उन चुनिंदा फैशन डिजाइनर्स में शुमार होगा जिन्होंने इंडियन आर्ट और हेरिटेज को अपने परिधानों में कुछ ऐसा सजाया जिससे इंडियन आर्ट और आर्टिशंस को अपने देश में तो जाना ही गया बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान मिली। रितु कुमार का जन्म 11 नवंबर 1944 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। एक पढ़ा लिखा संपन्न परिवार में इनका लालन पालन हुआ। इनके पेरेंट्स ने इनके पढ़ाई और करियर को बनाने में भरपूर साथ दिया। उन दिनों अमृतसर में अच्छे स्कूल्स के ना होने के कारण इनका स्कूलिंग शिमला के लोरेटो कॉन्वेंट से हुआ। आगे की पढ़ाई इनकी दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज से हुई। इसी बीच इन्हें एक्सचेंज स्कॉलरशिप के लिए चुना गया और इन्हें न्यूयॉर्क के ब्रायर क्लिफ यूनिवर्सिटी में आर्ट हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला। इंडिया वापस आने के बाद इन्होंने कलकत्ता के आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट से म्यूजियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की। यह वही समय था जब रितु कुमार को आर्ट के साथ साथ फैशन के तरफ भी झुकाव बढ़ रहा था। रितु कुमार ने अपने डिजाइनिंग करियर की शुरुआत 1969 में कोलकाता के पास एक छोटे से गांव श्रीरामपुर से करी। 2 प्रिंटिंग टेबल्स और 4 ब्लॉक प्रिंटिंग कारीगरों के साथ रितु कुमार का शुरुआती सफर ब्राइडल वियर और इवनिंग ड्रेसेस के निर्माण से शुरू हुआ था और आज उनके डेडिकेशन ने उन्हें भारत के अलग अलग शहरों तक पहुंचा दिया है। कुल 93 स्टोर्स की मदद से भारत भर में रितु कुमार के डिजाइन्स हम तक पहुंच रहे हैं। रितु कुमार के डिजाइन्स 3 अलग अलग सब ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। आरके रेडी टू वेयर इंडियन क्लोथिंग, री ब्राइडल वियर, लेबल रेडी टू वेयर वेस्टर्न क्लोथिंग। इन 3 क्लोथिंग ब्रांड्स के अलावा रितु कुमार होम डेकोर और परफ्यूम के ऑप्शंस के साथ भी अवेलेबल हैं। बात अगर डिजाइनर रितु कुमार के एस्थेटिक सेंस की करें तो इन्होंने अपनी एक अनूठी शैली ही विकसित करी है जिसमें हमें ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट की झलक मिलती है। ये डिजाइन्स आज हमें हमारे रिच एंशिएंट एरा के वो रिफ्लेक्शन देते हैं जो हमें यह सोचने को प्रेरित करते हैं कि हमारा हस्तशिल्प कितना विशेष रहा होगा। रितु कुमार के डिजाइन्स में हमें अलग अलग कलर्स के प्रयोगों को देखने का मौका मिलता है। इसमें इस्तेमाल कपड़े इन डिजाइन्स को और भी बेहतर बनाते हैं। हैंड और मशीन एम्ब्रॉयडरी में भी हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता आया है। बात अगर इनके प्रिंट्स की करें तो ये पिछले कई दशकों से अपना जादू दिखा रहे हैं। रितु कुमार के ब्रांड बनने के कारण कई शिल्पकारों को संरक्षण और रोजगार मिलता आया है। इसके अलावा रितु कुमार जैसे डिजाइनर से जुड़ने के कारण इन शिल्पकारों के स्किल्स को और भी निखरने का मौका मिला है जिस कारण इन्हें देश दुनिया में भी सराहा गया। डिजाइनर रितु कुमार के फैशन और टेक्सटाइल में इनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए वर्ष 2013 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा रितु कुमार को कई अन्य मौकों पर इन्हें विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है जैसे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय NIFT, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड एट लॉरियल पेरिस फेमिना वुमेन्स अवार्ड्स, आउटस्टैंडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड बाय PDHCC एंड मेनी मोर। इसके अलावा रितु कुमार ने कॉस्ट्यूम एंड टेक्सटाइल्स ऑफ रॉयल इंडिया नाम से 1999 में एक बुक पब्लिश की जिसमें उन्होंने इंडियन आर्ट डिजाइन और टेक्सटाइल के इतिहास को बखूबी पेश किया है। रितु कुमार के डिजाइन्स अक्सर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देखे जाते हैं। इसके अलावा सेलिब्रिटीज की एक लंबी सूची है जिसमें हमें देश विदेश के कई जानी मानी हस्तियों को इनके आउटफिट्स में देखा जा सकता है। रितु कुमार पिछले कई वर्षों से सेलिब्रिटीज की पसंद बनी हुई हैं, जिन्होंने हर खास मौकों पर रितु कुमार के डिजाइन्स पहने हैं।